राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को आम जन तक पहुंचाने और युवाओं को जोड़कर बुद्ध को मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर सुजालपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार 12 दिसंबर से युद्ध जोड़ो बुद्ध जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस संबंध में शनिवार को सुजालपुर में सिकरवार शोरूम पर एवं अकोदिया में महाकाल भवन पर रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों को यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने किसानों की परेशानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हम बूथ स्तर पर जाएंगे और गाँव की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, कलेक्टर साहब आदेश निकालते हैं कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन किसान दुकान पर जाता है तो वहाँ पर यूरिया उसको नहीं मिलता है। बहुत सही प्रश्न किया है, किसानों की समस्या पर जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी, ये सरकार जब बनी थी किसानों की दम पे सरकार बनी थी और आज किसान नाराज है, किसानों की नाराजगी से ये सरकार विफल हो रही है। अभी राहुल गांधी जी अपने आगर जिले में होके उनका यात्रा थी, मुझे मौका मिला राहुल जी से बात करने का, 4 मिनट मुझे दी गई थी। वो 4 मिनट में जो किसानों की समस्या हमारे यहाँ बेसिकल ये जो मालवा अंचल है पूरे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री उद्योग बड़ा उद्योग नहीं है, सारे लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं और खेतीबाड़ी पर ही पूरा यहाँ का व्यापार व्यवसाय ये सब चलता है। उसमें भी हमारा किसान, मैंने देखा है, हम तो ये कहते हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों, मैं किसानों की तरफ से बात कर रहा हूँ, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों, हमको 24 घंटे लाइट क्यों नहीं दी जाती है। मतलब किसानों को 24 घंटे लाइट देना चाहिए, जब सबको 24 घंटे लाइट दे रहे हैं तो किसानों को भी देना चाहिए। फिर भी चलो आपके पास पर्याप्त बिजली नहीं है, आप 10 घंटे देते हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये 10 घंटे में भी 4 घंटे रात में क्यों, क्या कोई व्यक्ति प्रशासन में बैठे लोग रात के 12 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं क्या? जितने भी जनप्रतिनिधि आज जनता पार्टी के लोग हैं, क्या वो रात के 12 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं? तो फिर किसानों को ही काम करने के लिए क्यों कहा जाता है? किसान को जो 10 घंटे की लाइट है पूरी दिन में मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे आपके पास लाइट नहीं है, वो लाइट व्यवस्था आप नहीं कर सकते हो, आप विफल हैं, तो भैया 10 नहीं 8 दो, पर हमको दिन में लाइट दो। हमारे किसान भाइयों की समस्या मैं खुद किसान हूँ, मैंने देखी है, मैं खुद झेल रहा हूँ उस समस्या को। खेत की रात को मेड़ पे जाते हैं और पानी बिजली का बटन चालू करके और लाइट आ गई साहब, हम खेत में जाते हैं, खेत के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाते जब तक लाइट चली जाती है। बार बार ये आँख मिचोली लाइट की किसानों को कितना परेशान कर रही है। ये किसान होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये बात मैंने राहुल गांधी जी के सामने भी रखी थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर हमारी बात को स्वीकारा और डोंगर गांव की आम सभा में उन्होंने मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश में इस मालवा अंचल का किसान, ये 2 फसलें हैं सोयाबीन मूल रूप से, आलू प्याज और गेहूं, इन फसलों के टाइम पे हम जब बीज खरीदने जाते हैं तो हमको 10,000, 11,000, 8,000 से ऊपर सोयाबीन मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।